आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अब मुन्ने की सारी शक्तियां मक्षिका के पास सुरक्षित है। मक्षिका परी है। परी? ये तो मक्खी जैसी दिखती है। शांची, इतनी छोटी सी मक्खी क्या करेगी? ये दिखने में छोटी है शेखर जी, लेकिन इसके अंदर अपार शक्तियां हैं। और ये हमारे मुन्ने से शक्तियां लेकर हमें सुरक्षित रखेगी। लेकिन ध्यान रहे, हम इसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। शक्तियां लेनी है या नहीं लेनी, ये फैसला ऐसे ही करना होगा। ठीक है, आप इससे मुन्ने की शक्तियां लेने के लिए कह दीजिए। लेकिन इसे खोलने से पहले मैं आप सबको दो चीजें बताना चाहूंगा। एक ये कि ये एक अच्छी शक्ति है और अपने आसपास की किसी भी बुरी शक्ति को बहुत आसानी से भांप सकती है। और दूसरी ये कि एक बार ये बाहर आ जाए तो हम में से कोई किसी भी तरह की हलचल नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत आसानी से डर जाती है और फिर ये सामने वाले पर हमला कर देती है। क्या? इसलिए सभी दो कदम पीछे आ जाइए। सब ठीक होगा। भैया प्लीज। मक्षिका, तुम्हें मुन्ने से उसकी शक्तियां लेनी है। लग रहा है जैसे इसने किसी बुरी शक्ति को भांप लिया है। बुरी शक्ति? निशान जी, वे यहाँ? ये भगवान, कहीं मोना तो वापस नहीं आ गई? भाभी डायन यहाँ होती तो क्या यहाँ इतनी शांति होती? आप भी ना भाभी। तो फिर और कौन हो सकता है जिससे डरकर ये भाग गई? लगता है ये मुझसे डर गई है। बुरी शक्ति नहीं हो आज। बेकार में अपने आप को दोष क्यों दे रहा है अंश? तू भले ही दावंश है लेकिन तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया। नहीं वेदश्री जी, अंश बिल्कुल सही कह रहा है। मक्षिका अंश को ही देखकर डरी होगी।
क्यों निशांश? हमारा अंश तो इतना अच्छा है। अंश अच्छा है ये हम जानते हैं शेखर जी, मक्षिका नहीं। उसे सिर्फ एक बुरी शक्ति का आभास हो रहा है, क्योंकि अंश के अंदर एक डायन का खून है। तो क्या अब मक्खी हमारा काम नहीं करेगी? I'm sorry, Pia. अंश, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। निशान जी अब क्या करें? हम मक्षिका से बात करके देखते हैं, शायद शायद वो हमारी बात समझ जाए। ऐसा हो सकता है क्या? अंश, एक बार मक्षिका कोई फैसला ले ले तो वो अपना फैसला कभी नहीं बदलती। और अगर ऐसे में तुमने उसे समझाने की कोशिश भी की तो वो तुम पर अटैक कर लेगी। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूं। संभल कर। अगर आप मुझे देखकर छुपी है तो आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और रही बात मेरे दावन छूने की, तो भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो इस सच को मैं बदल नहीं सकता। आप मेरे दावन छूने की सजा मेरे बेटों को मत दीजिए, प्लीज। बेटा पीछे आ जा। प्लीज मक्षिका, मेरे बेटे की मदद करो प्लीज। रुक जाओ पिया, आप लोग में से कोई आगे नहीं आए। तुम लोग आगे बढ़े तो ये और डर जाएगी और तुम लोगों पर हमला कर देगी। मक्षिका भाई, प्लीज प्लीज छोड़ दो अंश को, वो बुरा नहीं है। आप उसे गलत समझ रही हैं। प्लीज छोड़ दो अंश को। मक्षिका, मेरे बेटे को बख्श दो। अंश दावाज है लेकिन वो बुरा नहीं है। तभी तो पिया ने एक दैव इकने उससे शादी की। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। मक्षिका परी जी, रुक जाए। देखिए, मेरा बेटा बुरा नहीं है, प्लीज रुक जाइए। नन्ही परी, छोड़ दो ना हमारे अंश को। प्लीज छोड़ दो, प्लीज। मक्षिका प्लीज, प्लीज अंश को छोड़ दो। मैं तुम्हारा डर समझता हूँ, लेकिन अंश से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, यकीन करो। छोड़ दो उसे प्लीज, मर जाएगा। छोड़ दो प्लीज, मेरे बेटे की मदद। बेटा तू मत। कैसे मुन्ना अंश को बचाने बीच में आ गया? अगर अंश बुरा होता तो क्या इसके बेटे पर भगवान का आशीर्वाद होता? इसमें इतनी शक्तियां होती, क्या वो अंश को बचाने यू बीच में आता? प्लीज प्लीज हमारी बात पर भरोसा करो। अंश बुरा नहीं है, बल्कि बल्कि वो तो बुरी ताकतों से लड़कर हमेशा अच्छी राह पर चलता आया है। मक्षिका प्लीज प्लीज, तुम हमारी मदद करोगी ना? कम से कम इस बच्चे के लिए प्लीज।
नीचे आ जाओ। मुन्ने की सारी शक्तियां मक्षिका के पास सुरक्षित है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए Subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.